पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है आसिफ जरदारी का। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर हसन मुर्तजा को फोन। पीपल्स पार्टी किसी को भी वोट ना देने का फैसला किया गया है। बात कर लेते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, ऐसी क्या वजह सामने आई है जो पीपल्स पार्टी ने किसी को भी वोट देने का फैसला किया है? बिल्कुल जी, ये फैसला किया गया है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है, इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो लातअल्लुक रहेगी। ना तरीके इंसाफ और मुस्लिम कायद आजम के उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा और ना ही जो है वो जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है उसको वोट दिया जाएगा। जरदारी ने सैयद हसन मुर्तजा जो कि पार्लियामानी लीडर है पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की, उनको फोन करके ये वाज तौर पर हदायत दी है कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन से लातअल्लुक रहेगी। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का ये एतराज है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों ही एक सिक्के के दो रुख हैं और पीपल्स पार्टी इन दोनों में से किसी के भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहती, इसलिए हाउस से एब्सटेन कर रखा है। जी यकीनन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसलिए किसी को भी आज वोट नहीं दिया जाएगा उनकी जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।